नमस्कार, लखनऊ सिटी लाइव के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में, वहां हम कुछ लोगों से बात करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूटन जो है एक बल का या फोर्स का यूनिट भी है। कैन एनीबॉडी इवन इमेजिन दैट हाउ स्ट्रॉन्ग वन न्यूटन कुड बी? एक न्यूटन फोर्स कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, क्या किसी ने अंदाज लगाया है? किसी ने? कैन एनीबॉडी हैव एनी आंसर रिगार्डिंग दैट? एनी स्टूडेंट? सिंस आई एम नॉट गेटिंग एनी रेस्पॉन्स, आई थिंक दैट इट शुड बी ओनली वन साइडेड प्रोग्राम। I may even call that if some volunteer could come and lecture or respond, then that could also be good. Anyway, agar nahi bata bata hai, main 1 newton se zyada hoga kam hoga? Zyada hoga. Anyway, main yahan par 1 newton ka force bata raha hu. So, haan ji? So, 1 newton force ke matlab? Yes. Ji, 9.8 na lega 10 maan le. So 10 into 0.1, how much it is? 1 Newton. Could it be demonstrated in front of you? I am going. मेरा नाम रजत त्रिपाठी है, मैं लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। ये हम लोग का AI क्लब का डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग सारी रोबोटिक्स और AI से रिलेटेड चीज़ों पे काम करते हैं। ये हमारा 4K रिकॉर्डिंग ड्रोन है, इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं 4K और 1080p की वीडियो रिकॉर्डिंग की, और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 1.5 kg है। इसमें इसकी रेंज है वो 2.5 से 3 किलोमीटर तक की रेंज है, और अगर ये अपने रेंज के बाहर जाता है तो उसमें फीचर है ये अपने लोकेशन पे वापस आके लैंड हो जाएगा। हाइट कितना? हाइट उड़ान सर, हाइट रेडियस, हाइट ऊंची भी और ऐसे दूरी में भी सर, दोनों 2.5 से 3 किलोमीटर तक की इसकी कैपेसिटी है। और इसकी बैटरी बैकअप सर सिंगल फुल चार्ज पे 40 मिनट्स का फ्लाइट टाइम देती है कंटिन्यूस। मैं सेकेंड ईयर में हूँ और ये मेरा बनाया हुआ ड्रोन है। और हमारे कॉलेज में AI क्लब है, ऐसे ही डिफरेंट क्लब्स बने हुए हैं जिसमें आप किसी भी कोर्स के हों, वेदर इट भी BCom और आप कोई भी कोर्स के हो, आप अगर आप ऐसा हॉबी भी इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो आप हम लोग का क्लब ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाहर लोगों के लिए? नहीं, बाहर के लिए नहीं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कोर्सेज में एफिलेटेड हैं। अच्छा, कर आपके जो मेन कैंपस में? यस सर। ये हमारा ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइज़र है। कोरोना के टाइम पे सैनिटाइज़र का यूज़ इतना बढ़ गया है, और हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, अगर जैसे बॉटल्स में यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग को बॉटल छूनी पड़ती है, दूसरे लोग होते हैं वो सेम बॉटल टच करते हैं, इसलिए ये बिना टच किए सैनिटाइज़र है। इसमें हम लोग ने आगे सेंसर दिया है जो कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में आपके हाथ को सेंस कर लेगा, जैसा कि देखिए जब इसके 10 सेंटीमीटर की रेंज में आपका हाथ आएगा तो ये आपको सैनिटाइज़र प्रोवाइड करेगा। और इसमें पीछे पंप लगी है 12 वाट की जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और ये 24 आवर्स लगातार भी चल सकता है। इसमें कोई ऐसी हीटिंग की कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जितनी देर चाहें उतनी देर चला सकते हैं, बस आपको इसमें सैनिटाइज़र रिफिल करना होता है जब ख़त्म हो जाए। बाकी ये पूरा हम लोग का खुद से बनाया हुआ है, तो इसमें हम लोग कोई भी चेंजेस करना चाहें, अगर इसमें इसको बड़ा साइज़ का करना चाहें, छोटा करना चाहें, सब हम लोग कर सकते हैं। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये हमारी स्ट्रीट लाइट है, ऑटोमेटिक जिसका वर्क करता है। इसमें हमारा कोई मैनुअल ऑन ऑफ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो जाता है, दिन में लाइट्स खुली रह जाती हैं जिसकी वजह से पावर लॉस होता है। इसमें हमारा मैनुअल ऑन ऑफ होगा नहीं, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगी। इसमें जैसे ही आपका सनसेट स्टार्ट होगा, सनसेट स्टार्ट होते ही ये ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही सनराइज होगा मॉर्निंग में ये ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम सनसेट तो नहीं कर सकते, बट इसको हम ग्लो करा सकते हैं डार्क करके। जैसे हम इस पर ऐसे हाथ लेके जाएंगे तो ये अपने आप देखिए ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही हम इसको रोशनी देंगे और ये अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा इसको रोशनी मिलेगी उतने ज़्यादा ये ऑफ होंगे। और जैसे हमारा ये लेजर सिक्योरिटी सिस्टम है, ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ से लेज़र बीम होती है, ये हमारे सिस्टम पे पड़ती है जो कि आपको विजिबल नहीं होगी, बट ये इतना सेंसिटिव है कि इसके बीच में अगर एक पेपर भी आ जाएगा तो वो आपके लिए अलार्म बजाना स्टार्ट कर देगी कि आपके सिस्टम और लेज़र के बीच में कुछ है, कोई है। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी अगर आपके बीच में यहाँ पेपर भी आ जाता है तो भी ये आपका अलार्म बजाना स्टार्ट कर देगी।
ये हमारा डॉक्यूमेंट सैनिटाइज़र है, जो यूवी से अल्ट्रा वायलेट से सैनिटाइज करता है। इसमें क्या होगा कि आप इसमें पेपर्स रखेंगे अपने, 5 to 6 मिनट्स लेगा और ये पूरा फुल सैनिटाइज कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। आपको पलट के नहीं रखने की जरूरत है, ऊपर नीचे दोनों साइड से सैनिटाइज डॉक्यूमेंट सैनिटाइज करेगा। इसमें आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट के रेस के लिए वो लगा हुआ है जो कि ऊपर नीचे दोनों जगह से आपको सैनिटाइज कर देगा, पलट के रखने की ज़रूरत नहीं। ओके गुड। और ये सैनिटाइज़र ये है जो कि हैंड फ्री सैनिटाइज़र है, सेंसर बेस्ड। वो सैनिटाइज़र चैम्बर है जो कि वो भी फैकल्टी के थ्रू डेवलप हो रहा है, वो भी वर्किंग है इस समय, आप उसको देख सकते हैं। ड्रोन के पास सर डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मैं प्रोफेसर विभूति राय, ये साइंस फेस्टिवल 2020 जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह का हिस्सा है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ। और इसको ऑर्गेनाइज करने में मुख्य रूप से मैं और मेरे इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की समिति है उसके माध्यम से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी साइंस फैकल्टी के लिए जाना जाता है और इस साइंस फैकल्टी में 9 विभाग हैं और उन 9 विभागों के माध्यम से यहाँ पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक फेस्टिव लुक देते हुए बहुत सारे संस्थानों को यहाँ पे आमंत्रित जिनको किया गया है। लखनऊ के सभी नामचीन संस्थान यहाँ पर हैं, यहाँ पर अन्य विश्वविद्यालय के स्टॉल लगे हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के 9 विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, फूड टेक्नोलॉजी का और एक वाइल्ड लाइफ का इंस्टीट्यूट है, उनके स्टॉल लगे हुए हैं। तो इसके माध्यम से जन जागृत को करना और उसके माध्यम से ये प्रयास करना कि विज्ञान हर क्षेत्र में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हर चीज़ उस पर आधारित है। तो आम आदमी को विज्ञान से जोड़ने का ये प्रयास है, लखनऊ विश्वविद्यालय इसमें अग्रणी रहा है। 100 साल में पहली बार ये साइंस फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो मुझे इसका अध्यक्ष होने का बड़ा क्रम जो है परसों से शुरू हो गया था, परसों इसका इनॉग्रेशन हुआ और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे जो स्टॉल्स लगे हुए हैं और नाना प्रकार के उसमें जो महाविद्यालयों से भी लोग आए हैं उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, एग्रीकल्चर के स्टॉल हैं, टेक्नोलॉजी के स्टॉल हैं, यहाँ ड्रोन के लिए पे भी जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनका एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टॉल लगा हुआ है। और इस तरह अगर आप देखें तो हर एक क्षेत्र को यहाँ पर दर्शाया गया था। कल के कार्यक्रम में 3 लेक्चर्स हुए, एक लेक्चर प्लांट वायरस और एनिमल वायरस के बीच में क्या उनका रिलेशनशिप है, प्रोफेसर विवेक प्रसाद का जो कि इस यूनिवर्सिटी के नामचीन हस्ती हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के, उसके अलावा आनंद अखिला साहब का जो कि सीमैप के भूतपूर्व एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने खुशी या हैप्पीनेस थ्रू नेचर किस प्रकार से प्रकृति के विभिन्न रूप को अपने साथ लेके खुश रहने पे इसमें उन्होंने लेक्चर दिया। और तीसरा लेक्चर जो कि वो बहुत बेहतरीन था वो साइंटून पे था, एक कार्टून के माध्यम से साइंस को जन जन तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसमें प्रोफेसर डॉक्टर पी के श्रीवास्तव साहब का उनका लेक्चर था। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें भी 3 लेक्चर्स हैं, एक अभी जो लेक्चर चल रहा है इसमें बच्चों को जो फिज़िक्स के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको मॉडल्स के माध्यम से और किस प्रकार से जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते उसमें प्रकाश के हैं, उसमें ग्रेविटी के ऊपर है, उसमें टेम्परेचर के ऊपर है, उसमें मटेरियल के ऊपर है, बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट पे लेक्चर हो रहा है। इसके बाद प्रोफेसर ए के शर्मा जो कि जूलॉजी विभाग के बहुत सीनियर प्रोफेसर रहे हैं उनके माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो साइंस एक्सटेंशन प्रोग्राम है जिसको कि हम कहते हैं कि हमारे जो विज्ञान को आउटरीच के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना, छोटे छोटे कस्बों में पहुंचाना, उसका लेक्चर होगा। ये 2 आज मुख्य रूप से लेक्चर है, सवेरे एक ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है पटेरिया साहब का, मनोज कुमार पटेरिया साहब SERC डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने 1 घंटे का लेक्चर दिया और ये बताया कि भारत सरकार की किस प्रकार की परियोजनाएँ विज्ञान को आगे तक पहुँचाने की हैं।